सायंकाल खारियारीम निवासी कन्हैयालाल ओझा, जो कि वर्तमान में सोजत पंचायत समिति के उपप्रधान हैं, थाने पर उपस्थित होकर एक रिपोर्ट दी कि 10 मई को मेरे ही गांव के एक महेंद्र जाट खारियारीम निवासी जो हैं वो मुझे किसी विवाह प्रकरण में मध्यस्थता करने के लिए मोटरसाइकिल पर बैठा करके ले गए। जो कुछ आगे जाने के बाद में एक बोलेरो में बैठे हुए कुछ लोगों के साथ बैठने के लिए मुझे कहा, जिसमें एक लड़की पहले से बैठी हुई थी। मैंने मना किया, मना करने के बाद उन्होंने पिस्टल से मुझे धमका करके ज़बरदस्ती बोलेरो गाड़ी में बैठा लिया और कुछ दूर आगे जाने के बाद उन्होंने उस लड़की के साथ में मुझे पिस्टल के दम पर उस लड़की से कुछ कपड़े उतारने के लिए और मेरे कपड़े उतारने के लिए मुझे प्रेस किया, इसके लिए मैंने मना कर दिया। लेकिन उन्होंने मुझे पिस्टल के दम पर मुझे मारने की धमकी दी, तो मैंने मेरे और उस लड़की के कपड़े उतार करके उसको वीडियो बनवाया। इस वीडियो को बनाने के बाद उन लोगों ने मुझे ब्लैकमेल किया और मुझे आँख बंद करके पता नहीं कहाँ ले गए, जो मुझे मालूम नहीं है, और 50 लाख रुपए की डिमांड की। 14 तारीख तक 4 दिन तक मुझे उन्होंने अपने कब्जे में रखा। बीच में मैंने एक बार भागने का प्रयास किया तो मुझे बुरी तरीके से मारा। मैंने मेरे दोस्तों से संपर्क कर तकरीबन 18 लाख रुपये इन मुलजिमान को दिया और इन्होंने 14 तारीख को मुझे छोड़ दिया। मेरी स्वास्थ्य ठीक नहीं था, मैं इलाज करवाता रहा और लॉकडाउन की वजह से मैं समय पर रिपोर्ट नहीं दे पाया। और कल शाम को उन्होंने थाने में रिपोर्ट दी, जो SHO सोजत सिटी रामेश्वर जी ने श्रीमान SP साहब को हालात का निवेदन किया। श्रीमान SP साहब ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एडिशनल SP साहब डॉक्टर तेजपाल जी और मन व्रताधिकारी के सुपरविजन में सोजत सिटी थानाधिकारी रामेश्वर जी भाटी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया। टीम ने प्रकरण हाथ में आते ही पूरी रात मेहनत की, पारंपरिक और तकनीकी रूप से सभी तकनीकों का उपयोग किया और अलग अलग इलाकों में दबिश दी। और अब तक नामजद 6 आरोपियों में से 4 को डिटेन किया, उनसे पूछताछ की, उन्होंने अपराध के संबंध में स्वीकारोक्ति की, उसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया। इसके जो मास्टरमाइंड हैं लीला राम, जो कि पहले भी एक मामले में वांछित है सोजत सिटी के में, वो अभी पीपाड़ सिटी थाने में किसी प्रकरण में पुलिस कस्टडी में है, उसको भी ला करके पूछताछ की जाएगी। और एक कपिल सेंगवा है, जो अभी उसके पीछे टीमें लगी हुई हैं, उसको अभी जल्दी ही उसको राउंड अप किया जाएगा। अभी ये जो 4 आरोपी हैं, ये महेश बाकल उम्र 25 साल निवासी घनमंगरा है, एक महेंद्र पुत्र मोहनलाल जाति जाट निवासी खारियानीव, माणक पुत्र भगाराम जाति जाट रणसी गांव जो है, इसके पास से एक लोडेड पिस्टल मिली और इसने हमारी जो पार्टी पर फायर करने का भी प्रयास किया। और एक सुश्री सायना पुत्री अब्दुल मजीद उम्र 19 साल निवासी राणावास, ये 4 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है, 2 अभी बाकी हैं। और मुलजिमान से पूछताछ कर अब तक जो 18 लाख रुपए की जो राशि इन्होंने धमकी दे करके प्राप्त की थी, उसको बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है।